राजधानी देहरादून में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत कांग्रेस के खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ली। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री कृष्ण बहुगुणा ने भी कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थामा। आयोजित सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी और दूसरे दलों के कुछ नेता ऐसे हैं जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके तहत सदस्यता अभियान का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। वहीं भाजपा ज्वाइन करने वाले पद अधिकारियों का कहना है कि पीएम मोदी और सीएम धामी के कार्यनीति से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है और अब भाजपा में शामिल होकर पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं दूसरे दलों से जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो पार्टी का कुनवा बढ़ता है, हमारा मत प्रतिशत बढ़ता है। हमने शुरू में कहा ना, बूथ पर हम 80% पोलिंग का 80% मतदान भाजपा पक्ष में रणनीति के साथ हम काम कर रहे हैं और लगातार दूसरे दलों के जो प्रमुख लोग हैं, बीजेपी से जुड़े अनेक प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख हैं, हर समाज का व्यक्ति हमसे जुड़ रहा है। ये कारण है कि देश के अंदर मोदी जी के का जो कार्य है, पुष्कर धामी जी की जो नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर सब लोगों का आना सिलसिला आने का बना हुआ है, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। मैंने आज बीजेपी पार्टी की सदस्यता ली है। माननीय धामी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश बहुत आगे जा रहा है। अभी कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि समान नागरिक संहिता का जो इन्होंने बिल पास किया है, एक ऐसा बिल जिसमें सबको सम्मान दिया गया है। अगर आप नारी शक्ति की बात करें, नारी को सम्मान दिया गया है। अगर आप बच्चों वाली बात करें, बाल विवाह की बात करें, तो 18 और 21 वाली उसमें बात कही गई है। तो एक ऐसा बिल लाए हैं कि हमारा देश का एक पहला राज्य बनने जा रहा है, हमारा उत्तराखंड। तो माननीय धामी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश बहुत आगे है।